हमारे लाइफ में स्ट्रगल काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई भी चीज हमें बिना स्ट्रगल के मिल जाती है तो वो चीज हमारे पास ज्यादा देर टिकती नहीं है। चलो इसे बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक आदमी था, वो काफी देर से कोकून को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। उसके अंदर बटरफ्लाई काफी देर से स्ट्रगल कर रही थी टू कम आउट ऑफ दैट स्मॉल होल। काफी देर घंटों वॉच करने के बाद जब उस आदमी ने वॉच किया कि वो बटरफ्लाई वहां से नहीं निकल पा रही है, तो उसने सोचा कि चलो उसकी हेल्प कर देते हैं। तो उसने क्या करा, एक सीजर लेके उस कोकून को हल्के से कट कर दिया और फिर देखता है कि वो बटरफ्लाई इजिली उससे बाहर निकल जाती है। तो उसने सोचा हो गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व, क्या फर्क है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बटरफ्लाई के विंग्स अभी भी छोटे थे और उसकी बॉडी काफी बड़ी थी। वो बाहर तो निकल गई, उस देर हिलने डुलने के बाद वो वही जमीन पे गिर जाती है और उड़ नहीं पाती। इससे ये पता चलता है कि उस कोकून का काम ये नहीं था कि उससे उसे बस बाहर निकल जाना है। उस कोकून का काम ये था कि उस बटरफ्लाई को स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस सिखाना था जो उसके पूरे लाइफ काम आने वाली थी। बट ये चीज उस आदमी ने नहीं समझा और उसकी हेल्प करने की वजह से उसकी जान ले ली। तो लाइफ में एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। हर चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज हमारे लाइफ की हमें काफी आगे ले जाने वाली होती है। इसलिए लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना सीखो, ना कि टेकिंग शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स आपको काम आएंगे, हल्की फुल्की उड़ान आप भर लोगे, बट लास्ट में आपको गिर ही जाना है। बट व्हेनेवर यू गो विद द बेसिक्स एंड स्ट्रगल, इट विल टेक यू टू फ्लाई हाई।